हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका दोस्त आसिफ लखनऊ से आपके साथ है। चैनल का नाम आसिफ्स इंग्लिश, ASIF apostrophe S, आसिफ्स इंग्लिश एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। एक बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव स्टूडेंट्स के लिए, एक बहुत महत्वपूर्ण सुझाव देने जा रहा हूं। निश्चित तौर पे ये काम करेगा। हर स्टूडेंट मेहनत करता है, पढ़ना चाहता है, लेकिन कुछ ऐसे ऑब्स्ट्रक्शंस हैं जो उसकी पढ़ाई में बाधा डालते हैं। और एक बहुत बड़ा ऑब्स्ट्रक्शन है पढ़ाई के समय नींद आने लगना, आलस्य का शिकार हो जाना और सोचना चलो थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। ये सफल स्टूडेंट्स के साथ भी होता है और ये असफल स्टूडेंट्स के साथ भी होता है। सफल स्टूडेंट्स जानते हैं कि इस बीमारी से कैसे पार पाया जाए। सिर्फ 5 मिनट आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, निश्चित तौर पे आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल, बिल्कुल डुएबल, बिल्कुल फिजिबल सलाह मिलेगी। इस चैनल पर सत्य मिलेगा, सत्य के सिवा कुछ भी ना मिलेगा। किसी भी चीज को हाइपर करके बताना मेरी आदत कभी से नहीं रही है। बिल्कुल आपको ठोस जानकारी दूंगा। यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज जरूर कीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको प्लीज शेयर कीजिएगा, प्लीज लाइक कीजिएगा। मैं बताने जा रहा हूं पढ़ाई करने के लिए हमें किस मैथोडोलॉजी का प्रयोग करना चाहिए, किस तरह से पढ़ना चाहिए। देखिए, हम लोग सब एक चीज अच्छी तरह समझते हैं कि जब बात इंटरटेनमेंट की आती है तो हमारा इंथुजियाज्म बिल्कुल लबालब हो जाता है, बिल्कुल लहरें मारता है। आप देखिए, बच्चों को खेलने के लिए कह दो, उनका चेहरा बिल्कुल डिफरेंट, पूरी ऊर्जा, पूरा जोश, पूरी रवानी। लेकिन जब बात पढ़ने की आती है तो हमारी जो रुचि है वो उतनी ज्यादा नहीं रहती है। इसका एक बड़ा कारण ये है कि हमारा जो तरीका है पढ़ाई करने का, वहां पे फॉल्ट होती है। सबसे पहली चीज, दो चीजें बताऊंगा। सबसे पहली चीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, सोफे और सेंटर टेबल पे पढ़ना बंद कर दीजिए। गलत पोस्चर है, ज्यादा देर तक सस्टेन नहीं कर पाएंगे। फिर धीमे से सोफे पे टेक लगाया, टांगे लंबी हुई और फिर पूरा मूड और पूरा माहौल खराब हो जाता है। आप सबसे पहले अपनी पढ़ाई स्टडी टेबल पर करना प्रारंभ कीजिए। बहुत फर्क पड़ेगा, बहुत फर्क पड़ेगा। बिस्तर पर लेट के पढ़ना, सोफे पर पढ़ना, कंबल ओढ़ के पढ़ना, ये सबसे पहले आज से ही बंद कर दीजिए। ये तो एक छोटी सी सलाह दी जिसके जरिए आपको बड़ा परिवर्तन मिलेगा। लेकिन एक और चीज मैं बताने जा रहा हूं जिसके द्वारा एक आपके अंदर रिवॉल्यूशन आ सकता है पढ़ाई को लेकर के। और जो भी आप पढ़ेंगे वो बहुत अच्छी तरह से आपके जहन में जाएगा और वो रिटेन भी ज्यादा टाइम तक रहेगा। और उस मेथड को अपनाने से आप देर तक पढ़ पाएंगे और पढ़ाई को एंजॉय भी कर पाएंगे। उस तरीके का वर्णन करूं उसके पहले छोटी जानकारी देना चाहूंगा। आप मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए प्लीज, 9335077458। मैं कुछ बच्चों को रोज ऑनलाइन ट्यूशन देता हूं। ये पेड क्लासेस हैं, बहुत अफोर्डेबल और रीजनेबल फीस है। दो तरह की क्लासेस देता हूं। अगर आप पर्सनलाइज्ड क्लासेस लेना चाहें, 30-30 मिनट्स के टाइम स्लॉट हैं, टाइम डिस्कस करने के बाद आप मुझसे ले सकते हैं। 1 महीने की फीस 5,000 रुपीज है। रोज आपको आधा घंटा पढ़ाऊंगा स्पोकन इंग्लिश, ग्रामर, वर्ड पावर, और 5,000 रुपीज फीस है। डेमो क्लास भी आप मुझसे ले सकते हैं। दूसरा तरीका है गूगल मीट के क्लासेस, रोज मॉर्निंग में 7:30 to 8:30 गूगल मीट की क्लासेस चलते हैं। आधा समय आपको ग्रामर पढ़ाऊंगा और आधा समय आपको इंग्लिश बोलना सिखाऊंगा। फीस मात्र 1,000 रुपीज पर मंथ। ठीक है, ये जानकारी मैंने आपसे इम्पार्ट की। अब मैं उस चीज को बताने जा रहा हूं जो पढ़ाई करने के लिए बहुत जरूरी है। आपने महसूस किया होगा कि ज्यादातर बच्चे जब बुक लेके बैठते हैं तो मन में पढ़ते हैं, मन ही मन, थोड़ा
थोड़ी बहुत आवाज निकलती है, लेकिन ज्यादातर बच्चे बोल के नहीं पढ़ते हैं। यदि आप मेरे भाइयों और बहनों लाउडली पढ़ना चालू करें, जो भी चीज आप पढ़ रहे हैं उसको वॉल्यूम के साथ, उसको वर्बलाइज कीजिए, उसको बोलिए और खुद से बात कीजिए। खुद से मान लीजिए कि आप ये पढ़ते हैं कि भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब डू या डज है, तो यू टॉक टू योरसेल्फ, डू और डज, दिस इज द हेल्पिंग वर्ब। कोई भी जानकारी, कोई भी इंफॉर्मेशन, प्लानिंग कमीशन का नया नाम नीति आयोग है, आप अपने को बोलिए नीति आयोग, प्लानिंग कमीशन का नया नाम। जो भी जानकारी आप चाहे फिजिक्स पढ़ें, चाहे केमिस्ट्री पढ़ें, बोल बोल के पढ़ना चालू कीजिए, आप देखिएगा कितना आनंद आएगा। शुरू में जिनकी आदत नहीं है उनको इसकी आदत डालनी होगी। आपको असहज महसूस होगा, अनकंफर्टेबल कि दूसरे लोग क्या सोचेंगे। आप कुछ ना सोचिए, आप बता दीजिए परिवार में कि मैं भाई बोल के पढ़ता हूं, और ज्यादातर कोशिश कीजिए एकांत में पढ़ने की, अपने से बात करना चालू। अच्छा ये फार्मूला यहां लगेगा, अच्छा ये की पॉइंट है, ओके वेरी गुड वेरी गुड। ऐसा लगे जैसे आप इंटरेक्ट कर रहे हो अपने आप से। आप ये करके देखिए, ना नींद आएगी, ना आलस्य आएगा, बल्कि और आनंद आएगा, एनर्जी बढ़ेगी और आप देर तक पढ़ पाएंगे। बोलने से होता क्या है, बोलने से ये होता है कि आपके माइंड का जो एक्टिविटी लेवल है वो एग्रावेट करता है, वो बढ़ जाता है, और इस प्रकार से माइंड में जो ब्लड का कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाता है, और इस वजह से इंसान को ऊर्जा महसूस होती है। ऑन द कंट्रेरी, जब हम मन ही मन पढ़ते हैं तो धीरे 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 करके हमारा जो ब्लड का लेवल है माइंड में वो कम होने लगता है और हमें नींद सी आने लगती है। ये एक साइंस है कि जो चीज बोल के पढ़ी जाएगी, जो चीज इंटरेक्टिव मोड में पढ़ी जाएगी, वो जल्दी तैयार हो जाएगी। यहीं पर अपनी बात को खत्म करूंगा। एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि आप मेरे चैनल आसिफ इंग्लिश एंड पर्सनल डेवलपमेंट को जरूर विजिट कीजिए। आपको ग्रामर मिलेगी बिल्कुल बेस से, आपको वर्ड पावर मिलेगी बिल्कुल बेस से, और बहुत लाभ होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज इसको शेयर कर दीजिएगा, प्लीज इसको लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।